तो दर्शकों को बता दें हम कि सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आज तक पर चल रही है। हमारे साथ हमारे तीन संवाददाता हैं, आशुतोष मिश्रा, शरद पवार घर के बाहर मौजूद हैं, जेपी नड्डा के घर से हमारे साथ अशोक सिंघल हैं और पारस हमारे साथ हैं मुंबई से। पारस हम आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद हम आशुतोष के पास जाएंगे। अब तो चर्चाएं शुरू हो गई कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मंत्रालय में क्या होगा, इसका मतलब लग रहा है कि बात काफी आगे बढ़ गई है। पारस शुभांगर, बात बहुत आगे बढ़ गई है। बात अगर आगे नहीं बढ़ती तो सूरत थाने की नौबत ना आती, बात अगर आगे नहीं बढ़ती तो क्रॉस वोटिंग नहीं होती, बात अगर आगे ना बढ़ती तो ये हालात जो अभी महाराष्ट्र की सियासत में उभर रहे हैं वो नहीं उभरते होते। तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत सारे सवाल जो है अब वो सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ओरा है एकनाथ शिंदे का, जिस तरीके से वो लीडर है, जितने बड़े लीडर है वो, तो उनके पास बहुत सारे पावर्स है। हम अक्सर देखते हैं एकनाथ शिंदे एक ऐसे लीडर है जिनके पास एमएलए बहुत भरोसा करते हैं उनके ऊपर, पर जो एकनाथ शिंदे कहते हैं वो सारे एमएलए मानते हैं। और ये अभी से नहीं है, ये बहुत सालों से है, जब से बाला साहेब ठाकरे थे उस समय भी बहुत विश्वास पात्र जो है वो एकनाथ शिंदे रह चुके हैं और एकनाथ शिंदे के कहने पे ही बहुत सारी चीजें बाला साहेब ठाकरे करते थे और बहुत सारे जो मेजर डिसीजन होते थे वो लिए जाते थे। उसके बाद चीजें बदली, सरकारें बदली, बहुत सारी चीजें हुई, उस समय भी एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना के साथ टिके रहे और शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहे। आपको वो मंजर याद होगा जब पूरा एक पॉलिटिकल मैच चल रहा था महाराष्ट्र में, उस समय एकनाथ शिंदे ही वो व्यक्ति थे जो ग्राउंड पे उतर के लगातार जो एमएलए थे उनको होटलों तक लाए थे और जो सरकार थी उसको बचाने की पूरी कोशिश जो है वो की गई थी एकनाथ शिंदे द्वारा। तो बात जरूर आगे पहुंची है, कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एकनाथ शिंदे शिवसेना से और एमवीए से नाराज चल रहे थे और ये नाराजगी जो है अब वो अधिक बढ़ गई है। वो अधिक बढ़ने के बाद ये हुआ कि पहले तो एमवीए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मुंह की खा चुकी है, राज्यसभा इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी एमवीए सरकार, शिवसेना सरकार हो, उनका यही मानना था कि वो लोग इस बार राज्यसभा में जीतेंगे, वो नहीं हो पाया। राज्यसभा में मुंह की खाने के बाद बात आई विधान परिषद इलेक्शन की, विधान परिषद में भी यही था कि भाई इस बार तो हम चमत्कार करेंगे, बट एक बार फिर कल वही हुआ, फिर एक बार मुंह की खाई और उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है, सबसे महत्वपूर्ण है, हम सबकी नजरें बनी हुई है। और आप जो बात कह रहे हैं कि बात काफी आगे बढ़ गई, ये भी काफी अहम बात है। हमारे साथ अशोक सिंघल भी लगातार बने हुए हैं। अशोक, एक सवाल यहां पर बड़ा खड़ा होता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी, कांग्रेस वर्सेस एनसीपी, कई बार हम देख रहे हैं, आज भी ट्विटर पर लगातार नेता लिख रहे हैं, शिवसेना के 15 से अधिक विधायक जा रहे हैं, तो क्या जो बात यहां पर हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि अंदर खाने इतना विवाद हो गया था जिसको समझ नहीं पाए, क्योंकि बात अगर इतनी आगे बढ़ी है तो क्या उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए या समझ कर भी दरकिनार किया जिसके बाद ये बगावत हो गई, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से खबरें आ रही थी कुछ पक रहा है अंदर जो शायद आने वाले वक्त में ब्लास्ट बनकर निकले और वो अब देखने को मिल रहा है। देखिए, अचानक मैं फिर आपको बोलूंगा कि पहले से काफी चीजें चल रही थी शिवसेना के भीतर, उसका नतीजा सामने आया क्योंकि एकनाथ शिंदे जैसा नेता, सीनियर नेता है शिवसेना के, जो कि नंबर टू के मंत्री माने जाते हैं, वो अगुवाई कर रहे हैं बागी गुट की। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम थी शिवसेना में, एक तो उद्धव ठाकरे पिछले दिनों का उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर वो रिकवर होकर के आए, तो पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से ये चीजें। दूसरा, बीजेपी के नेता भी लगातार टच में थे, उसका फायदा बीजेपी के नेताओं ने उठाया, जो शिवसेना में प्रॉब्लम चल रही थी देवेंद्र फडणवीस लगातार बातचीत कर रहे थे, नेताओं के टच में थे और ये नतीजा राज्यसभा के चुनाव में दिखाई दिया, फिर विधान परिषद के चुनाव में साफ तौर से दिखाई दिया और अब जाकर के रात को जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों का गुट सूरत पहुंच गया, उससे साफ हो गया कि अब शिवसेना के अंदर दो फाड़ निश्चित है, शिवसेना और महागाड़ी जो पार्टी है, सरकार है, बचने वाली नहीं है। और अभी एक खबर और आपको दे दूं, राजनाथ भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजनाथ भी यहाँ पहुंचेंगे, अमित शाह जेपी नड्डा की बैठक चल रही है और राजनाथ भी कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, तो पार्टी के बड़े नेताओं की यहाँ बैठक होने वाली है महाराष्ट्र संकट को लेकर के कि आगे क्या होगा, क्योंकि लगातार जो बागी गुट है वो बीजेपी के नेताओं से संपर्क में है और महाराष्ट्र सरकार संकट में है। उधर महाराष्ट्र में संजय राउत लगातार बैठक कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, इधर शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, तमाम मीटिंग्स हो रही है। तो अशोक, एक जरा सा छोटा सा जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना है, निकल चुकी है शिवसेना जी, यहां पर अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात को कितनी देर हो गया एक बार दर्शकों को यह बता दीजिए, और राजनाथ सिंह के साथ देवेंद्र फडणवीस कितनी देर में पहुंच सकते हैं, इसके मायने क्या है संक्षिप्त में एक बार दर्शकों को बता दीजिए, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे।
देखिए थोड़ी देर पहले ही अमित शाह जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं और राजनाथ कभी भी पहुंचने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन खबर यही है कि देवेंद्र फडणवीस भी यहां पहुंचेंगे और महाराष्ट्र संकट को लेकर के, महाराष्ट्र की आगे किस ढंग से बीजेपी बढ़ेगी, उन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत होगी। लेकिन अभी अमित शाह और नड्डा की बैठक चल रही है, करीब 10 मिनट पहले ही अमित शाह यहां पहुंचे हैं और उनकी बैठक जारी है। उसके अलावा अभी राजनाथ सिंह किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस का भी इंतजार किया जा रहा है। मुंबई से सीधा वो दिल्ली पहुंचे हैं।